बिस्मिल्लाह रहमान रहीम जी स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका टीचर जाहिद महमूद। आज हम लोग प्रैक्टिकल का जो फर्स्ट पेपर है उसका क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट जो है वो डिस्कस करेंगे। तो उसकी जो स्टेटमेंट है वो आपके सामने है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट है। ये तो पेपर जो है ये 2022 के हैं। Write a program that input two numbers। कि आपने एक ऐसा प्रोग्राम लिखना है कि जो आपसे दो नंबर जो है वो डिमांड करे। And pass it to the function that check and display message that which number is greater। कि आपने दो नंबरों में से बड़ा नंबर ढूंढना है, greater नंबर ढूंढना है। प्रोग्राम तो इज़ सो सिंपल, बट इसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट वो ये है कि आपने इस प्रोग्राम को यूजिंग फंक्शन जो है वो परफॉर्म करना है। नंबर्स को हैं वो फंक्शन को पास करने हैं, फंक्शन उसके ऊपर फिर अपने प्रोसेसिंग करेगा, देन जो ग्रेटर वैल्यू है वो रिटर्न करेगा, हम लोग उसको प्रिंट करवाएंगे। आते हैं, देखते हैं कोड की तरफ। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग अपने क्वेश्चन को कमेंट करते हैं ताकि हमें प्रोग्राम की कोडिंग को समझ सकें। ये हमारे जो है स्टेटमेंट, इसको हमने कमेंट कर दिया। फर्स्ट लाइन है हमारी इंक्लूड stdio.h। कोई भी प्रोग्राम जो है जब हम लोग उसमें प्रिंट एफ और स्कैन एफ की स्टेटमेंट यूज करते हैं तो उसमें हम लोग स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल को इंक्लूड कर लेते हैं। एक हमने ये वाली जो लाइन लिखी है, एक मैं फंक्शन बनाऊंगा इस प्रोग्राम में, उसका नाम मैंने रखा है बिगेस्ट, और ये फंक्शन जो है दो वैल्यूज जो है वो रिसीव करेगा, इंट और इंट टाइप की दो वैल्यूज रिसीव करेगा, और आफ्टर प्रोसेसिंग ये एक वैल्यू जो है इंटीजर टाइप की वैल्यू जो है ये रिटर्न करेगा। उसके बाद हमारा मेन फंक्शन शुरू होता है। मेन फंक्शन जो है वो हर प्रोग्राम का हिस्सा होना लाजमी होता है, और हमने मेन के अंदर तीन वेरिएबल जो है वो डिक्लेयर किए। दो वेरिएबल जो है हमने ए और बी इनपुट लेने के लिए, जो यूजर जो है डिफरेंट टाइप के दो नंबर एंटर करेगा, और एक नंबर जो है हमने उसमें से चूज करके इस बिग में जो है वो रिप्लेस करवाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक मैसेज मॉनिटर की स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करूंगा, एंटर टू इंटीजर। मॉनिटर की स्क्रीन के ऊपर एक मैसेज जो है वो डिस्प्ले होगा कि आप कोई से दो नंबर जो है वो एंटर करें। तो इस यूजर जो है इस मैसेज को देखकर दो नंबर एंटर करेगा, और स्कैन एफ फंक्शन, ये फंक्शन जो है ये स्कैन एफ फंक्शन कीबोर्ड से की गई वैल्यू को कैच करके इन वेरिएबल्स में पुट अप कर देगा। एक फर्स्ट वैल्यू आपकी ए में और सेकेंड वैल्यू आपकी वो बी में पुट अप कर देगा। उसके बाद यहाँ पे मैंने कमेंट दिया है कि फंक्शन को कॉल, हम लोग ये वैल्यूज जो हैं फंक्शन को भेज देंगे। फंक्शन को वैल्यूज जो हैं पास करना, भेजना, सेंड करना एक ही बात है। हम लोग फंक्शन को कॉल करते हैं, जब फंक्शन को कॉल करते हैं तो उसको वो पैरामीटर्स जो हैं वो सेंड कर देते हैं जिनके ऊपर हमने प्रोसेसिंग करनी है। वो मैंने वैल्यूज जो है ए और बी फंक्शन बिगेस्ट को जो है वो यहाँ से सेंड कर दी है, फंक्शन को कॉल किया है, फंक्शन को एक्टिवेट किया है, ये दो वैल्यू सेंड की हैं। तो यहाँ से कंट्रोल मूव करेगा, आपकी फंक्शन की डेफिनेशन पे पहुंच जाएगा। ये फंक्शन कॉलिंग थी और फंक्शन की डेफिनेशन हमारी यहाँ से शुरू हुई। ये देखिए, ये फंक्शन की हमारी डेफिनेशन है, मैंने उसको कमेंट भी किया है फंक्शन डेफिनेशन। तो आपकी जो फर्स्ट वन वैल्यू है ये वाली ए वाली वैल्यू पास होके इस एक्स में पहुंच जाएगी, और बी वाली वैल्यू जो है पास होके ये वाई को पहुंच जाएगी। तो आपकी टू वैल्यूज जो है इस फंक्शन डेफिनेशन में इस एक्स और वाई के पास जो है वो रिसीव हो गई हैं। तो हमने यहाँ पे हमारे प्रोग्राम की लॉजिक है, हमने चेक किया कि इफ एक्स ग्रेटर देन वाई है तो रिटर्न एक्स हो जाए, और नहीं तो फिर रिटर्न वाई हो जाए। वैल्यूज ने रिटर्न कहाँ पे होना है? अगर तो हमारी ये कंडीशन ट्रू होगी कि एक्स वाक्य ही बड़ा होगा वाई से, तो ये वाली स्टेटमेंट जो एग्जीक्यूट होगी,
और अगर x बड़ा नहीं होगा y बड़ा होगा तो फिर ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। तो रिटर्न जो है जिस जगह से फंक्शन को कॉल किया गया है हमारा कंट्रोल वहीं पे दोबारा शिफ्ट होता है, ये दोबारा से कंट्रोल यहाँ पे आएगा और जो वैल्यू रिटर्न होके आएगी वो ऑटोमेटिकली बिग को असाइन हो जाएगी। तो अब हमारी जो ग्रेटर वैल्यू है वो बिग में है, तो हमने एक स्टेटमेंट लिखी प्रिंट एफ परसेंटेज डी, ये हम लोग कोई वेरिएबल की वैल्यू को इंटीजर टाइप प्रिंट करेंगे, इज द ग्रेटर ऑफ दिस एंड दिस, इन टू नंबर्स को। तो फिर हमने इसके अगेंस्ट बिग नंबर जो है वो प्रिंट करवाना चाहा और इन दो वेरिएबल्स जो है ए और बी इनको भी इंटीजर टाइप। इससे हमें पता चलेगा कि बिगर नंबर ये है और दो नंबर हमने जो एंटर किए थे वो ये वाले हैं। तो अब हम लोग इसकी आउटपुट चेक करते हैं मॉनिटर की स्क्रीन के ऊपर, हम लोग इस प्रोग्राम को रन अप करते हैं। जैसे ही हमने प्रोग्राम को रन किया तो हमारे पास मैसेज आ गया एंटर टू इंटीजर, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने ये वाले टू नंबर जो है वो एंटर किए हैं। तो हमारे पास एक नंबर 8 था और 86 है, तो प्रोग्राम की आउटपुट आई 8 इज ग्रेटर ऑफ 8 एंड 6, कि दो नंबर जो आपने एंटर किए उनमें से 8 जो है वो बड़ा है। जी स्टूडेंट्स, ये था हमारा सिंपल सा आसान सा प्रोग्राम कि फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर बिटवीन द टू गिवन नंबर, लेकिन यूजिंग फंक्शन था। मैं दोबारा इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता हूँ, देखिएगा जरा, मैं इसमें से नंबर 1 एंटर करते हैं नंबर और नंबर 2 एंटर किए, तो इसमें 42 जो है इज ग्रेटर देन 15 और 42, ये टू नंबर मैंने एंटर किए थे लेकिन उसने हमें उसमें से ग्रेटर 42 जो है वो बता दिया। जी स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर कि हमने फर्स्ट पेपर का जो है फर्स्ट क्वेश्चन लेकिन उसका सेकंड पार्ट हमने एग्जीक्यूट किया। उम्मीद है कि बात आपको समझ रही होगी, आपने इसकी लॉजिक भी देख ली, आपने इसकी कोडिंग भी देख ली, अब यू नो यू हैव टू प्रैक्टिस। तो अगर आपको बात समझ आई है तो सबसे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करना है ताकि नेक्स्ट प्रैक्टिकल जो है वो ऑटोमेटिकली आपके पास पहुंच जाए। तो तभी पहुंचते हैं जब आप साथ में बेल आइकन को भी क्लिक करते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।